आप ऐसे कैसे क्या कैसे कह सकते हो कि यार मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। पाया ना तो यार मैं निशाने दसदा वा, आ जी एक मोटा जा ते छोटे कद दा वड्डे मूंह वाला मुंडा तुहाडा मुंडा है। हाँ वैसे उसका मुंह बड़ा है, मोटा भी है, छोटा। हाँ हाँ वो मेरा ही बेटा है। आ जी ओही ओही तुहाडा मुंडा ते एक सोहनी जी कुड़ी तुहाडी कुड़ी है। हाँ, वो मेरी बेटी है ते नाल एक सोरी सोहनी जी औरत हैगी है। ओदी आई डी दे उत्ते अमांडा दी सेंटा लिखिया होया है, वह भी तुहाडी बेगम है। हाँ यार वो मेरी बेगम है। तो तुहाडी फैमिली है होर कौन है? और यार बताओ यार कहाँ पे हुआ है यार एक्सीडेंट, कहाँ पे हुआ बताओ जल्दी बताओ। अब पाया ना होया मेन हाईवे उत्ते शोरूम के सामने, शोरूम के कोल बाईपास दे नाल। ठीक है मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओए होए 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 भाई यहाँ पे तो यार ट्रक पूरा उल्टा हुआ है। ओ शिट 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 शिट, ओ यार मेरी गाड़ी वो सामने है, मुझे मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अबे यार कहाँ पे हैं? बस मैं क्या बताऊँ, एक बड़ा बहुत बड़ा मसला बन गया है। मतलब इजी हो के बात सुने, ठीक है? टेंशन लेने इजी हो के बात सुने। पुत्र की हो गया? मैं नहीं 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 की हो गया मेरे पुत्र दस। वो टेंशन ना ले। कौन मार गया दस, मैंने कौन मार गया? हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सब? ठीक होंगे? तो यार आज जो है यार मुझे ना अमेंडा और जिमी लोग कह रहे थे कि यार हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, तो ये फैमिली जा रही है। यार मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ काम से भी। यार एक तो फुर्सत नहीं मिलती, दूसरा ये जिमी आकर मेरे सर पर खड़ा हो गया। हाँ जिमी क्या मसला है? यार पापा जी हमें जाना तो अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? तो घर का ख्याल रखना, मामा कह रही हैं। अच्छा ठीक है यार, दफ़ा हो जाओ यार, निकलो यहाँ से। जान खाइए, कल रात सारी मेरे पीछे पड़े रहे। और ऊपर से इन लोगों की यार एक तो ये मसला है, पीछे पड़ गए, कहते हैं हमने वैगन आर पर नहीं जाना, अब मेरी जो दूसरी गाड़ी है ना V8 उस पर जाना है। मैंने कहा वाह जी वाह, मैं अपनी गाड़ी दे दूँ, कल ये ऐसे मेरी ठोक दे गाड़ी। ये जिमी का पता है ही, आप लोगों को ठोकता रहता है, ये देखो इसकी शक्ल देखो। What the fuck, man? तो ये ठोकता रहता है गाड़ी, तो मुझे डर है कि यार गाड़ी मारेगा क्योंकि ये शोखा हो जाता है। जब बड़ी गाड़ी इसके हाथों में आती है ना, ये बंदा जो है ना शोखा हो जाता है और जाकर गाड़ी मारता है। पिछली बार प्रियस भी मारी थी इसने, वैसे आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो इसके ऊपर कोई एतबारी नहीं, लेकिन मैंने इसको रात सारी समझाया कि यार गाड़ी जो अल्लाह का वास्ता है, यार अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ प्लीज़ स्लो चलाएं यार, स्लो चलाएं। बहुत समझाया यार। पापा जी आप तो पीछे ही मर गए यार, ये टेंशन ना लें, मेरे पास गाड़ी आ रही है, ठीक है? उसको मैं ऐसे चलाऊंगा जैसे मुझे पैसे दिए होते हैं स्लो चलाने के। अच्छा यार ठीक है, तो उसको मैंने समझाया कि यार स्लो चलानी गाड़ी है। तो अमेंडा वगैरह सारे नीचे वेट कर रहे होंगे, तो तुम लोग जा रहे हो? हाँ यार हम लोग जा रहे हैं, आपको बताने आया था कि यार आप घर का ना फिर ध्यान रखना, हम लोग जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ फिर इंजॉय करो यार। वापसी बात हुए ना, मिल लिया ना दो शुहार में ले आना, ठीक है? यार दो क्या कर रहे हैं यार? एक मैं जब लोग लेके आओगे तब खाऊंगा, फिर बाद में रात को खा लूंगा। अच्छा यार ले आऊँगा, और कुछ खाना है? नहीं 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 कुछ भी ना खाना, कुछ भी नहीं खाना। फिर ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। तो ठीक है हम लोग जा रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस वो चले गए हैं, पूरी फैमिली मेरी चले गई है बाहर घूमने फिरने के लिए। तो यार मैं भी चलता हूँ बाहर घर से, मैंने अभी कपड़े बदलने हैं, तो अभी मैं नहा लिया था मैंने। चलो बाहर थोड़ी सी ना वो मैंने घर का एक दो राशन थोड़ा सा लेना था, मैंने कहा चलो वो राशन वगैरह ले लेते हैं और फिर घर जा के फिर कपड़े उतार के फिर मैं सो जाऊँगा। तो कपड़े ज़्यादा फिर पहनने की ज़रूरत तो नहीं है, यही पहन लेता हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं घर से बाहर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, घर के लिए राशन वगैरह। कल की अमेंडा मुझे कह रही थी कि राशन लेना है घर में, सौदे वगैरह कम है, मतलब चीज़ें वगैरह लेनी है। तो फिर हम लोग जा रहे हैं चीज़ें वगैरह लेने के लिए, राशन वगैरह। तो अभी जो है हम लोग जाएंगे अपनी रिवो वैगनर जो है वो जिमी ने अपने घर मतलब गराज में खड़ी कर दी है, और मेरी जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी है। ये यार इस गाड़ी की शशके हैं यार, इस गाड़ी का क्या बात है यार, कल मैंने खरीदी थी, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा तो यार मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। अगर नहीं देखा तो यार जाके देखो, पहले ये वाली वीडियो देख लो फिर बाद में वो देख लेना, ठीक है? यार इस वीडियो को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में मजाक के अलावा, तो प्लीज़ इसको लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो अभी हम लोग चलते हैं राशन वगैरह लेने के लिए। यार एक तो गर्मी नहीं ख़त्म हो रही, इतनी गर्मी, थोड़ा सा बाहर जाओ ना घर के पसीने पसीने आने लग जाते हैं। परेशान हुआ पड़ा हूँ यार क्या करूँ, गर्मी इतनी है, फिर बदबू आती है कपड़ों से, दिन में दो बार ही तीन बार ही नहाना पड़ता है मुझे। अब मैं जाऊँगा ना, अब मैं घर से बाहर निकलूँगा पसीनों पसीनों हो जाऊँगा, घर जाऊँगा फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा और फिर दोबारा नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, बदबू आने लग जाती है यार क्या करूँ। एक तो मेरा पसीना जो है ना बहुत बदबू वाला है,
तो फिर ये भी वजह है। मंडा भी बहुत चिढ़ती है मुझसे मेरी बदबू से, मतलब कि मेरे पसीने की बदबू से। तो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाके कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर दो, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर दो यार, मेहरबानी होगी यार। अब देखो यार आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ यार, अब आप लोग इतना ही कुछ कर दो मेरे लिए, बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा तो मुझे लोग कहते हैं कि यार आपको वीडियो बनाने में कितनी देर लग जाती है, वैसे यार मेरे भाइयों वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन रिकॉर्डिंग भी मेरे रिकॉर्डिंग ऊपर में ज़्यादा 1.5 घंटा या 1 घंटा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है ना मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, और जो है जी एडिटिंग के दौरान मुझे 1.5 से 2 घंटा या 1 घंटा लगता है एडिटिंग पे, मतलब 1 घंटा मैक्सिमम या 1.5 घंटा मैक्सिमम, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि एडिटिंग जो है मैं मतलब शुरू से करता आ रहा हूँ तो मेरे लिए कोई इतना नहीं इशू, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक जा रहा सीन। यार 0 मीटर मैंने निकलवाई है गाड़ी, रीवो। हाँ जी, अब भाई के पास ना रीवो भी है, V8 भी है, टोर बन गई आपके भाई की। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज जो खुशी इसी खुशी के पीछे आप लोग मुझे यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस हम लोगों ने अब राशन सारा ले लिया, सौदे वगैरह सारे ले लिए हैं घर के, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर जा कर रखते हैं और कपड़े उतार के मतलब नहा के ये कपड़े मैंने उतार के मैंने सो जाना है। यार शॉर्टकट लो यार, या कौन से कौन सा यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह बैठी हुई है, जल्दी से निकलो यहाँ से। यार गाय इस गाड़ी की भी हम लोग ऑफ रोडिंग की वीडियो बनाएंगे। यार पहले तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार मैंने पीछे जो वीगो था मेरे पास उसकी मैंने ऑफ रोडिंग की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने वो जल्दी जल्दी बेच दी थी, उसका रेट जल्दी लग गया था, इसलिए वरना मेरा प्लान बना हुआ था। तो यार कोई बात नहीं, हम लोग चलो इस गाड़ी की हम लोग वीडियो बना लेंगे ऑफ रोडिंग की। तो अभी तो है यार इसको हम लोग खड़ी कर देते, सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं, तो घर जाता हूँ यार राशन वगैरह, चलो घर वगैरह रख देते हैं। I'm still alive in case you're wondering. अभी तो गाइस मैं नहाता हूँ, नहाकर फिर मैं कपड़े उतार के रहता हूँ। यार दरवाज़ा बंद कर दूँ। अबे भाई मुझे ये वाला सीन जो है ना वो स्किप करना पड़ेगा, नहाने लगाऊँ, कुछ शर्म करो यार कि अब दाढ़ी, अब देखो 2 बच्चों का ये बाप है, अब इसको भी देखना है तुम लोगों ने। अब चलो अब इस सीन को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस हम लोगों ने नहा लिया, अब फ्रेश हो गए यार, अब मैं जाके मैं सो जाऊँगा। तो अभी मैं देख यार कॉल किसी आ रही है, एक मिनट को ये कॉल किसकी है यार, एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? हाँ जी तुम माइकल डी सेंटा गल कर रहे हो? जी जी मैं माइकल डी सेंटा बात कर रहा हूँ, डी सेंटा नहीं डी सेंटा। ओह जड़ा भी है भाई तू। हाँ जी आपको क्या? हाँ जी थोड़ी गड्डी का जो नंबर है वो 06567 है। जी जी ये मेरी V8 प्राडो V8 का है। ओही आज जी बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया थोड़े फैमिली का। ओ भाई क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सेट है। आज जी मैं मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी गड्डी का नंबर भी तुहानू दसता है, तो थोड़ा नाम भी मैं ले लिया, थोड़ा शिनाख्ती कार्ड लग गया थी वो गड्डी के बीचों। ओ भाई ये क्या बात कर रहे हो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यार मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया? पाया ना तो यार मैं निशाने दसदा वा, आ जी एक मोटा जा ते छोटे कद दा वड्डे मूँह वाला मुंडा, तुहाडा मुंडा है? हाँ वैसे उसका मुँह बड़ा है, मोटा भी है छोटा। हाँ वो मेरा ही बेटा है। आ जी ओही तुहाडा मुंडा, तो एक सोहनी जी कुड़ी तुहाडी कुड़ी है? हाँ वो मेरी बेटी है, ते नाल एक सोरी सोहनी जी औरत हैगी है, ओदी आईडी दे ते अमांडा दी सेंटा लिखिया होया, ओ भी तुहाडी बेगम है? हाँ यार वो मेरी बेगम है। तो तुहाडी फैमिली है होर कौन है? और यार बताओ यार कहाँ पे हुआ है यार एक्सीडेंट, कहाँ पे हुआ बताओ जल्दी बताओ। अब पायण यह होया मेन हाईवे उत्ते शोरूम के सामने, शोरूम के कोल बाईपास के नाल। ठीक है मैं आ रहा हूँ। और यार मसला बन गया यार, बहुत मसला बन गया, अब यार जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा यार, गाड़ी की चाबी मेरे पास है। ओ यार बहुत टेंशन हो रही है, मर ना गए हूँ यार, जैसे मतलब बता रहे थे गंदा एक्सीडेंट हुआ है, और देखते हैं पता नहीं किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है यार, बहुत टेंशन हो रही है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ओ भाई मेरी गाड़ी बच गई यार, अबे यार गाड़ी को भाड़ में जाए गाड़ी, मैं मुझे अपनी टेंशन है अपनी फैमिली की, गाड़ी तो आती जाती रहेगी। ओ भाई साइड पे हो,
अबे यार मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रही मैं किसको कॉल करूँ अभी। ओह यार रिलैक्स होना पड़ेगा, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। ओए भाई गाड़ी दोबारा बजी किसी के साथ। अबे यार यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ओए यार यार मैं क्या करूँ। माइकल रिलैक्स हो जा, माइकल रिलैक्स हो जा यार। ओए यार मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। वो पता नहीं ठीक भी होंगे या नहीं होंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ओ भाई वेख नहीं दिया यार, मैं किसको कॉल करूँ इस वक्त, किसी का नंबर याद नहीं आ रहा अभी मुझे, किसको कॉल करूँ। मुझे खुद को ही पहुँचना पड़ेगा वहाँ पे, अब बहुत बड़ा मसला बन गया है यार। अब पता नहीं वो ज़िंदा भी होंगे या नहीं होंगे यार। दुआ करो यार प्लीज़ वो ज़िंदा रहे, मेरी फैमिली मेरी जान है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे घर भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी फैमिली चाहिए बस। मुझे जिमी चाहिए जिसको मैं रोज़ छितर मारता होता था। तो यार अभी गाड़ी जो है फुल स्पीड में भगानी पड़ेगी क्योंकि हम लोग बहुत देर हो जाएंगे, और अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया यार रास्ते में। एक तो रश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गाड़ी, मतलब मैं कहता हूँ मेरी ही गाड़ी ना ठुक जाए उसको ले जाते ले जाते, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं अपने आप को बचाते हुए लेके जा रहा हूँ उधर। तो मैंने उसको भाई को फ़ोन करके कह दिया है कि यार उसको एम्बुलेंस को कह दे बुला के, और उसको मतलब हॉस्पिटल पहुँचा दे, तब तक मैं पहुँचता हूँ उधर। तो गाइस उस लोकेशन पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो अब ओए होए 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 भाई यहाँ पे तो यार ट्रक पूरा उल्टा हुआ है। ओ शिट 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 शिट, ओ यार मेरी गाड़ी वो सामने है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अबे यार वो कहाँ पे हैं। अबे भाई 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 पूरा ट्रक उल्ट गया। ओ यार मेरी गाड़ी का ये क्या हाल हो गया, उनका क्या हाल हुआ होगा, ये गाड़ी का इतना गंदा हाल हो गया। अबे यार ये क्या हो गया भाई साहब। ओ यार वो कहाँ गए होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तू सर्टी सेंटा हो। हाँ हाँ मैं माइकल हूँ भाई, वो कहाँ पे है मेरी फैमिली। ओ भाई वो एम्बुलेंस से लै गए ने, उन्होंने बच गए ने भाई, टेंशन ना ला तू। ओहो शुक्र है यार बच गए। ओ सीरियस तो नहीं ज़्यादा। ओ नहीं भाई तुहाड़ी गड्डी दा जिहड़ा एयर बैग सी ना, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਬੈਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਭੈਣ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ 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 ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਚੋਟੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੋਸ਼। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਆਪ ਉਸਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਫਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਮੂੰਹ ਉੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਗਰਲ ਬਾਰੇ ਛੋੜੇ ਯਾਰ, ਗਾੜੀ ਕਾ ਭੈਂਸ ਕੀ ਤੁਮ, ਗਾੜੀ ਕਾ ਯਾਰ ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਬ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਗਾੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕਿਆ ਬਚਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਗਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਭਾਇਣ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ 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 ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ 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 ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਬਾਈ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓਗੇ ਚਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਅਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਓ ਯਾਰ, ਆਪ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੋ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਤਾਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਆਪ ਗਾੜੀ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਓ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਸੋਰੀ।
हाँ जी चोरी साहब तुम टेंशन ना लो, मैं तुहाडे नाल ही हाँ। हाँ यार बस यार अब क्या करूँ, मेरी मतलब फैमिली मेरी जान है, बस दुआ कर रहा हूँ कि यार वो बच्चे मतलब कि जिंदा रहें, सही सलामत रहें। मैं नहीं देख सकता कि यार मेरी फैमिली वाले जो हैं वो दुख तकलीफ़ों में रहें। हाँ मैं समझ सकता हूँ यार, तो टेंशन ना ले चोरी। हाँ हाँ मैं बस अब क्या करूँ यार, इतना बड़ा हादसा हो गया, टेंशन नहीं लेनी तो फिर क्या लेना है। ओ हाँ वैसे ये तो है, वैसे भाई अगर जी एक सड़क रहेगी लेफ्ट मोड़ जाए ठीक है, खब्बे पाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चोरी ये गल दस पूछा तेरे तो। हाँ पूछे पूछे। अजी ये गाने नहीं लगते यार, गाने अब ये टाइम है गानों वाला। आ यार वो मैं क्या, चलो यार गाने सुन लीजिए। ओ भाई आप पहली दफ़ा बैठे हो गाड़ी में? नहीं यार नहीं, उस ना चक च रेंदे तो ट्रैक्टर चलाते रहते तो यार सा ट्रैक्टर तो बह बह के भाई मेरे मोहरिया का मसला बन गया। गड्डी बड़ी नाजुक जी है, बड़ी नरम गद्दियाँ ने एदियाँ। भाई इसे गद्दियाँ नहीं कहते, इसको वो सीटें कहते हैं। ओही भाई लगी ए गद्दियाँ ही है ना। ओ यार तुझे हाँ हाँ गद्दियाँ ही गद्दियाँ ही हैं। हाँ तो फिर भाई भाई ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही हैं। आहो मैंने पता मैं सही हाँ, तू दादा मेरे शुभ खाना हो। सॉरी 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 यार, अब इसकी इस जाहिल के मुँह लगना। इधर से जाना था ना अब। आहो यार बोले तो सही ना फिर। और यार मैं भी तेरे टेस्ट कर रहा थी। अच्छा यार ये बंदा वो जान खाता है यार, इसको ऐवी गलती चुक के ले आया यार, टेंशन में था ना इसलिए फिर भूल के इसको चुक के ले गया। आ गया की बोल रहे हो? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब किधर भी जाना है? ओ भाई वेख ओए होए गाड़ी यार रेड लग गई है, न्यू गाड़ी मैंने ली थी यार। अब भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं क्या यार, अब एक गाड़ी ठुकी अब दूसरी भी। यार टेंशन लो यार, तुहाडी शुक्र अदा करो तुहाडी फैमिली बच गई है। हाँ यार वैसे ये तो है, गड्डी आती जानी आन जान वाली शायद, टेंशन नहीं लेगी पुत्र। हाँ हाँ अब भाई कहाँ पे जाना है यार, बता दो सही रास्ता। आ जी इतों जी राइट मोड़ जा राइट। अच्छा यार ठीक है ठीक है ठीक है, राइट राइट हो गया। आप कहाँ जाना है? आ जी इतों जी तू हो जा लेफ्ट। ये जो जी मैं लेफ्ट हो गया, आप कहाँ जाना है? आ जी इतों जी फिर दोबारा लेफ्ट हो गया, खब्बे पाए। पता है मुझे लेफ्ट खब्बे पासे को कहते हैं। आहो आहो हूँ सीधा ला के जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ मुन्ना नहीं वो। अच्छा भाई यार गड्डी से बैग झूठे थे लगी है, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, लगता थे मैनू लूरा या बुला लगता है मैनू, इन थुक लाते हैं इनू गड्डी से झूठे लाते हैं, तो बाद एंड से जाके दसेंगे ये अस्पताल है। ये क्या बोल रहे हैं, बुड़ बुड़ करी जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं क्या यार मैंने मैं दुआ मांग रही थी यार, तुहाडी फैमिली सही सलामत रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइज यार मैं अभी हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ, मेंडा वगैरह सारे जिम्मी वगैरह सही हैं बिल्कुल, उधर मतलब लेटे हुए थे बिल्कुल होश में हैं, तो मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हैं, तो कह रहे थे कि अभी जो उधर का जो है ना वो एक मतलब क्लिनिक होता है जहाँ मतलब क्लिनिक कह दिया एक वो मतलब स्टोर सा बना था जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पर वो दवाइयाँ नहीं थी, तो वो दवाइयाँ जो थी वो बाहर से ही मिलनी थी मतलब कि अच्छे मेडिकल स्टोर से, तो मैं अभी दवाइयाँ लेने आया था तो अभी मैंने दवाइयाँ ले ली हैं, तो मैंने कहा चलो यार गाड़ी खड़ी करके, यार ये गाड़ी देखो यार रेड लग गई है गाड़ी की, ये एक मेरे को पायल बन जाएगा टेंशन। भाई आपको क्या पता यार, ये गाड़ी मैंने न्यू ली थी, चार दिन पहले ली है, दो दिन पहले बल्कि। अच्छा अच्छा अच्छा, यह तो फिर भाई थोड़ी बैंड बज गई है। हाँ मैंने पता है यार, अब देखो यार अब मैं मैंने खड़ी की है, मैंने कहा चलो यार अपने मामा को बता दूँ मैं, मतलब कि जिमी की दादी को मैं फ़ोन करके कह दूँ कि यार ये मसला बन गया है, तो दादी वरना मैंने अगर ना बताया ना तो मेरी शामत आ जाए। मैं उनको फ़ोन करता हूँ, एक मिनट रुको। ये को कॉल जा रही है उधर। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र, की हाल है तेरा? ठीक ठाक, आप सुनाओ मम्मा ठीक है? हां ठीक ठाक। आ पुत्र आज केवे तू कॉल कर दी थी? ओ मम्मा वो बस मैं क्या बताऊं, एक बड़ा बहुत बड़ा मसला बन गया है, मतलब इजी हो के बात सुने ठीक है, टेंशन लेने इजी हो गए बात सुने। पुत्र की हो गए? मैं नहीं 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 की हो गए मेरा पुत्र दस। वो टेंशन ना ले, कौन मार गया दस मैंने, कौन मार गया? मरा कोई नहीं है। फिर की होया? फिर मैंने कोई कह जाना इजी हो गए गल सुन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार वो मेरी जो फैमिली, मेरा अमांडा ट्रेसी
और जो जिमी का एक्सीडेंट हो गया है। और ना कर यार, मैं आ रही है, मेरे दसिया नहीं तू। अभी अभी मुझे पता चला है, मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। मैंने कहा अपनी आपको फोन कर दूँ। तेरा कोई हाल नहीं, मैं कल मैं रात ही फ्लैट से आ रही है थे। हाँ हाँ आ जाए जल्दी है। हाँ मैं आ रही है, मैंने चुक लिया है तो एयरपोर्ट तो। हाँ हाँ ठीक है आप आ जाए। चल ठीक है, रख दी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओए होए अम्मी यार, अब पैर है कौन सी? ये मेरी माँ थी। अच्छा अच्छा चलो चलिए फिर। हाँ यार चलो चलते हैं हॉस्पिटल। आयो बैठो ना। चलो 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 चलो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अस्पताल, तो आप लोग सारा सीन देख लिया यार, बहुत परेशान हूँ। जो मामा है वो भी आ रही हैं आज रात या कल तक आ ही जाएंगी, इधर पहुँच जाएंगी। तो जो वीडियो का जो एंड है वो हम लोग अभी करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब, बड़ी मेहनत लगी है भाई। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाई है। अब इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ यार, एक बंदे से एक लाइक और एक सब्सक्राइब लूँ, इतना डिज़र्व करता हूँ ना यार। अब आप खुद सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्वर को ज्वाइन करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम को, अन्नी पादो जा आगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और पाई टोर पर उन्हें खड़ा हो गए थे वो। हाँ चल रहे हैं। और तू तो बंदर के मुँह आ रहा, टोर भी बग गया। ओ भाई क्या हो गया? अरे तो चौप हो पौंक ही जाना है, खड़े हो गए यार। आपको ज़्यादा नहीं शौके हो गए? अब यार आप मेरी बात सुने, उस अस्पताल जाके दवाइयाँ देनी है। आप अपना रंडी रोना लगाया हुआ है आपने। ओ यार आपका भी कोई हाल नहीं। पुटी सीधी गला करे मेरे बारे में, लेकिन तेरी मौत मैंने देखा इस्तखारे में। तेरा क्या काम यहाँ हिप हॉप इदारे में? भाई बेंस तेरा बाकी ये खटा रहे, तेरे जैसे मैं तो रखता पटारे में। टिकट टिक डाले हिप हॉप नहीं तेरे बारे में। पाकिस्तानी मुंडा गली नंबर 3 तबीयत तन फकीर, आग तोड़ सा फ्लो लाया। दुख से डूबे ये बंदे अजीब, ये बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम, ये हट दे ना सादे पींदे शराब ते चसते कती ते बेचे जमीर। ये एना दे कख नहीं पले, एना दी जिंदगी नशे दे चले। रैपर ये कट बस कला ये करे, मुकाबले दी गला करावा मैं कल्ले। चिकी चावा स्पिन नू ते डरने लगे ने, सड़ने लगे ने, मरने लगे ने।